हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है रोब्लॉक्स की दुनिया में। और आज हम करने वाले हैं पूरी जगह पदोड़ा। ए हर जगह पात मारूंगा। ए भैया, ये कौन सी गेम खेल रहा है? बाप रे वो इतना पात, अबे क्या कर रहा मुन्ना, आगे देगा क्या? ए भैया सही कहा, ये है पदोड़ी गेम। इसके अंदर पात मार के हवा में उड़ना है। और ये भैया देखो बीन है, जितना ज्यादा बीन खाएंगे उतना ज्यादा भैया पात मारेंगे। अबे ये कैसी गेम है? पापा जी एक एक गेम बना देते हैं, अबे कहीं हगने वाली गेम बना जाए। ए भैया वो भी ऑलरेडी बनी हुई है। और यहाँ पे बाप भैया ये देखो कैसे बात मार रहा मैं, ए मजा आ रहा है। और यहाँ पे मुझे फ्री गिफ्ट्स भी मिल गए, जल्दी से क्लेम कर लेता हूँ। और मुझे 100 फाट एक्स्ट्रा मिल गए। ए भैया मेरा फाट में इतना पावर है, देख लो मैं कितना ऊपर जा रहा हूँ फाट से। वाह रियल लाइफ में अगर ऐसा फाट आया था तो मुन्ना किसी को व्हीकल की जरूरत नहीं पड़ती, अबे सारे के सारे फाट मार के चले जाते हैं। अरे यार भैया सही कहा। ए बाप रे, अगर ऐसे फाट मैं मारता तो भैया स्कूल सीधा फाट मार के उस स्कूल के छत पे पहुंच जाता। ए मजा जाता फिर तो। ओए फिर ओए स्कूल की क्लास में क्या होता, पादी पाद हो जाता। बाप रे बाप, अबे सारे बच्चे मर जाते हैं। ए भैया खुश भी, ए इतना जहरीला नहीं है, ओए चुप रहे। ए दोस्तों फाइनली पाद की बातें करते हैं बंद, अब हम पाद को बोलेंगे फाट। ए ये देखो भैया मैंने कितने सारे बीन कलेक्ट कर लिए। ओए ये ले मैं भी आ गया, अब मैं भी फाट मारूंगा। ए सही कहा दोस्तों, वैसे फाट मार के हमें जंप बढ़ानी अपनी। ए फाट वाली जंप, ये भैया देख रहे हो? ओए मैं देख भी रहा हूँ, तेरे फाट की पावर भी देख रहा हूँ पापा जी। दोस्तों यहाँ पे मैंने टोटल 4 बीन्स खा लिए है, जिनसे मेरी फाट की पावर और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। और यहाँ पे नेक्स्ट स्टेज भी अनलॉक हो गया, चलो चलते नेक्स्ट स्टेज में और देखते हैं नेक्स्ट स्टेज कितना टफ है। और यहाँ पे गियर शॉप वगैरह भी है तो मुझे गियर वगैरह में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ए मुझे पैट वगैरह बेसक बाय करना पड़ेगा। और यहाँ पे और क्या चीज है, यहाँ पे फिर ओबक से बीन्स ले सकते हैं। यहाँ समझ नहीं आ रहा, दो दो, एक इजी और एक हार्ड है। हार्ड में मिलेगा 8 बीन्स और इजी वाले में 4, मतलब कि हम हार्ड वाला ट्राई करेंगे। हार्ड वाले में ये क्या इधर लावा लगा रखा है, बाप रे ये तो सही में हार्ड है। मुझे लगा ऐसे होगा नॉर्मल सा, बे बेस की टाट। ओए मुन्ना हार्ड वाला बहुत ही टफ होगा। ओए पहली बार मैंने कोई स्टार्ट देखा है। ए भैया तुम्हारे गले को क्या हुआ यार? ओए मेरा गला खराब हो चुका मुन्ना, ओए ना कि मेरी तबीयत भी खराब है। ओए ए दोस्तों सही कहा, हमारी तबीयत की बची है बैंड अच्छी खासी, इस वजह से हम यहाँ रेगुलर वीडियो नहीं डाल पा रहे। ओए पापा जी, अरे बाप रे बाप, ये फाट है कि तुम्हारा धुआं उड़ा रहा है मुन्ना पीछे से। अरे यार भैया सही कहा, इतना तेज पात कैसे आ सकता है यार? ए नॉन स्टॉप भैया, जैसे रॉकेट बन गया मैं। और यहाँ पे मैं बीन्स कलेक्ट करता हूँ और मेरे पास टोटल 12 बीन्स कलेक्ट हो चुकी है। अब मैं सोच रहा हूँ भैया, ओए बैट बाय कर ले। ए भैया इजी वाला भी पार कर सकते हैं, वैसे हार्ड वाले में ज्यादा सही है। ए ये क्या भैया, ये चलते यहाँ पे पैट बाय करने, देखते कितने का पैट है। मेरे पास तो 12 बीन्स है और यहाँ पे पैट तो 4 बीन्स का मिलेगा, तो धड़ाधड़ दोस्तों यहाँ पे अपने पैट बाय कर लेते हैं और अपनी पावर को गेन करेंगे, उसके बाद चलते और आगे भैया। आए संभल के मुन्ना। ए भैया मैं तो हमेशा ही संभल के जाता हूँ यार। ए ये देख रहे हो, और यहाँ पे मैं करूँगा अपना इक्विप बेस्ट। अरे बेस्ट इक्विप हो जा, ये क्या इसमें ग्लिच है क्या? होता ही नहीं, वो भी एक ही हो रहा है क्या? यहाँ पे मैंने 2 इक्विप बेस्ट कर लिया और यहाँ पे मेरा फाट रेट बढ़ चुका है। अब यहाँ पे फाट यार 20+ हो रहा पर सेकेंड में। ए कितना मस्त हो गया भैया। आए तेरे पास कितने बीन्स है मुन्ना? ए भैया मेरे पास 8 बीन्स है और मैं हार्ड वाला पार कर रहा हूँ। ये वाला हार्ड वाला बहुत ही ईजी है वैसे अभी तो। ओए धीरे धीरे करके टफ होते जाएगा, फिर क्या करेगा तो। ए भैया जब टफ होगा तब देखा जाएगा, अभी मैं आ गया नेक्स्ट स्टेज पे। ए दोस्तों यार नेक्स्ट स्टेज तो काफी ज्यादा बढ़िया है, और नेक्स्ट वर्ल्ड अनलॉक स्टेज अनलॉक करने के लिए मुझे 20 बीन्स चाहिए। और इसका हार्ड वाला स्टंट बहुत ही ज्यादा टफ लग रहा है, क्योंकि यार ये बहुत ही ज्यादा पतला है। अब ए बीच में लावा में काफी ज्यादा चांस मैं जा सकता हूँ, मुझे दिख नहीं रहा ना। और ये क्या, मैं चले भी गया लावा के अंदर, मुझे लगता है इसमें इजी ट्राई करना चाहिए। हार्ड वाला एक और बार ट्राई करता, अबे बच गया, अभी तो सीधा लावा में ही जाता मैं। बहुत ही ज्यादा डेंजर है वैसे वाला वो भी यार। ओए वो अभी नहीं स्टार्ट है देखेंगे। अरे हाँ यार ये दोस्तों बहुत ही टफ हो रहा है धीरे धीरे करके, लेकिन मैं पार करके रहूंगा भैया। ओए पार कर लेगा मुन्ना, जंप कर बढ़िया वाली। यार जंप तो करूंगा।
ए यहाँ पे ऊपर आ गया। ए दोस्तों गले की बैंड बची पड़ी है, बार बार गले स्टक हो जा रहा है, ये हैक हो जा रहा है। ओए हैक नहीं, हैंग हो जा रहा है तेरा गला मुन्ना। ए यार सही कहा, हैंग हो रही मेरी आवाज भी। ए वैसे यार फीवर बहुत तगड़ा चल रहा है दोस्तों, अपने आप को सेफ रखो यार। आइसक्रीम वगैरह तो बिल्कुल भी मत खाओ, नहीं तो बैंड अच्छे से बच जाएगी। ओए तू तो खाए जा रहा गपा गप, तभी तड़ी हो गई ऐसी हालत। ए भैया चुप रहोगे। और यहाँ पे मैंने एक और बीन्स कलेक्ट करी और यहाँ पे 16 बीन्स मेरे पास हो गए। और दोस्तों क्यों ना आज हम ट्राई करते एक नया Q&A। ओएस ठीक है जल्दी पूछ। हे दोस्तों आज का यार मैं कोई क्वेश्चन पूछूंगा, जिसका भी आंसर आप लोगों को पता है तो फटाफट से आंसर बताना कमेंट के अंदर। जो भी यार आंसर बताता है वो बनता है गॉड आज की वीडियो का। अरे पाप रे ये वाला तो बहुत ही टफ है। ओए मुन्ना क्वेश्चन पूछ, कौन सा क्वेश्चन है? ए भैया रुको यार, ये कितना टा डेंजर लग रहा है पाप रे। इतना पतला इस पे तो खड़े होने की जगह भी नहीं है। अरे फिर से गया मैं। ओए मुन्ना इसका मत ट्राई कर हार्ड, इसी वाले खेल, ये बहुत ही ज्यादा टफ है। ए भैया सही कहा यार, ये तो टफ का भी टफ है, तो मैं इसी वाले ट्राई करता हूँ। ए बाप रे ये रेनबो वाला स्टेज है, इसमें कितना ज्यादा ऊंचा जाना है। मेरे पास 3000 फाट पावर आ गई यार, और ये क्या स्पीड कॉइल भी मिल गया। वैसे स्पीड कॉइल का कोई भी यूज नहीं होने वाला इधर, क्योंकि मेरे को इतना दूर कहीं जाना ही नहीं कि स्पीड कॉइल की जरूरत पड़ेगी। ओए ये तो सही कह रहा है। ओए कितनों की फाट पावर? ए दोस्तों मेरी फाट पावर हो गई 5000, और मैं कितना ऊपर गया। ए सुपर जंप लगाई और सीधा फिर से ऊपर। दोस्तों फाइनली लगता है मुझे और भी ज्यादा पावर गेन करनी पड़ेगी। बाप रे बाप ये वाला मेरे को पार करने के लगता है 10000 फाट पावर तो चाहिए होंगी। ओए सही कह रहा है, जब ही पार कर पाएगा। ओए और ऊंची जंप मुन्ना, ओए फटाफट से। यार ये लगाई मैंने जंप और फाइनली मैं काफी ऊपर आ गया, ये थोड़ा सा रह गया। ए फिर से लगाता हूँ जंप और फाइनली ये बच गया, पहुंच गया पहुंच गया पहुंच गया। यार ये तो कुछ ज्यादा टफ हो रहा है ये। दोस्तों वैसे आप लोगों ने मेरे डेडी 2.0 चैनल पे 1 लाख सब्सक्राइबर करा दिए, तो यार आपका दिल से शुक्रिया। और हमारे यार नए चैनल जिसमें हम GTA 5 की वीडियो डालते हैं, तो यार अभी तक जिसने भी उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उस चैनल को सब्सक्राइब करो। और यार इसी के बीच में क्वेश्चन भी भूल गया, अभी मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। ए दोस्तों पूछेंगे कौन सा क्वेश्चन? ए दोस्तों अपने अपने नेशनल बर्ड का नेम बताओ। दोस्तों आपको पता है क्या नेशनल बर्ड आपके? नेम बताओ जल्दी से, जिसका भी नेशनल बर्ड जो है वो फटाफट बताओ। या नेशनल कोई भी एनिमल चलेगा, जल्दी से बर्ड हो या कोई एनिमल हो कुछ भी। नेशनल नहीं 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 बैट और एनिमल के बारे में बताना, जैसे कि भैया। ए सही कहा वैसे, जल्दी से बताओ देखते किस किस को पता है। ओए मुझे पता है अपना नेशनल कौन सा है। ओए हे भैया तुम्हारा नेशनल पक्का डोंकी होगा। हे पक्का मुझे ये लगता है। ए भैया ओए चुप रहा है बड़ा डोंकी वाला। हे दो